नमस्कार बच्चों। तो सेकंड ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए आज असाइनमेंट सॉल्यूशन की क्लास है, जिसमें आपको बताया गया है कि चार क्वेश्चंस हैं और हमें दो सॉल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों, वो दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, और तकरीबन 1 घंटे की क्लास लगेगी और 1 घंटे के अंदर आपके सारे सॉल्यूशन आपके सामने होंगे। और साथ ही साथ एक अच्छा फैक्टर ये भी है कि जिन बच्चों को मतलब जल्दी जल्दी बस असाइनमेंट बना के अपलोड करना है, उसके लिए भी फैसिलिटी है और साथ ही साथ सीखने की भी फैसिलिटी है। अगर 1 घंटे तक पूरी क्लास देखोगे तो बच्चों, एक लर्नर को जिस चीज़ की जरूरत होती है सीखने की, वो आप सीख भी पाओगे। और दूसरा कि भाई, आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो के, और आराम से उसको देखिए और सीखिए, और डिस्क्रिप्शन में जो PDF होगा वहां से आप नोट करते चलिए और हाथों हाथ अपने असाइनमेंट को पूरा करके अपलोड कीजिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ जी, तो पार्ट 2 का, ठीक है भाई, यानी कि पार्ट 2 मतलब सेकंड ईयर का आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है। फर्स्ट का मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ ₹65,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 6%, 8% एंड 9% पर एनम। ठीक है भाई, यानी 3 इन्वेस्टमेंट हैं, तीनों मिला के ₹65,000 की पड़ रही है, ठीक है, और उनके ऊपर 6%, 8% और 9% एनम से कुछ इनकम जनरेट की गई, जो इनकम थी ₹4,800। अब कह रहा है कि जो इनकम है थर्ड इन्वेस्टमेंट की, वो ₹600 ज्यादा है सेकंड इन्वेस्टमेंट से। थर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो सेकंड इन्वेस्टमेंट से ₹600 ज्यादा है। तो बताइए, अगर मैट्रिक्स का यूज किया जाए तो तीनों इन्वेस्टमेंट में कितने कितने रुपए लगे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, लेट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹X, ठीक है, एंड द सेकेंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹Y, एंड द थर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹Z। यही है बच्चों, तीनों अमाउंट ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले में ये बोला गया कि द सम ऑफ ऑल 3 इन्वेस्टमेंट इज ₹65,000, मीन्स X+Y+Z बराबर ₹65,000, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड में बोला गया क्या भाई, कि इनके परसेंट यानी जो इन्होंने इन्वेस्ट किया उस पे इन्होंने कुछ इनकम जनरेट की, मतलब कुछ इनको इनकम मिली, ठीक है। तो हम कहेंगे द सम ऑफ इनकम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो कितना था बच्चों, ₹4,800 मिले। और कैसे मिले, कैसे मिले वो इनकम जो इनको हुई जनरेट, वो कैसे जनरेट हुई, देखो 6% ऑफ ₹X, मतलब जितना इन्वेस्ट किया उसका 6%, प्लस फिर क्या था 8%, 8% ऑफ ₹Y, मतलब क्या जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे उसके 8%, और फिर क्या था 9%, 9% ऑफ ₹Z, यानी जितना थर्ड वाले ने जनरेट जितना थर्ड वाले ने इन्वेस्ट किया था उसका 9% उसको इनकम हुआ, और वो टोटल इनकम क्या था ₹4,800। अच्छा, 6% परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा एक्स, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा वाई, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा जेड, ठीक है, बराबर ₹4,800। तो बच्चों 100 100 100 नीचे तीनों कॉमन है, उठा के वहां भेज दो, बन जाएगा 6x 8y 9z 4800, और ये 100 100 100 वहां कॉमन जाके मल्टीपल हो जाएगा और आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, सेकंड, ठीक है। चाहो तो अगर मैं कहोगे तो मैं ये स्टेप पूरा करके दिखा देता हूं आपको, 100 कॉमन ले लो, ठीक है,
इस तरीके से, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, इसको इससे, इसको इससे, तो बन जाएगा 6x 8y 9z 4800 का डबल जीरो, ये आपके पास आ गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहा है, अब तीसरे के लिए कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, कह रहा है द इनकम फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब थर्ड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो सेकेंड इन्वेस्टमेंट से 600 ज्यादा है। मतलब नाउ थर्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी इनकम ऑफ थर्ड इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम ऑफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अरे भाई थर्ड की इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो सेकंड से 600 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड में और सेकंड के इनकम में गैप कितने का है, 600 रुपए का है, बात खत्म। कितने रुपए का है, 600 रुपए का है। तो भाई इनकम ऑफ थर्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, 9% ऑफ जेड, जबकि इनकम ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 8% ऑफ वाई, बराबर क्या हो गया 600। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे 9% ऑफ वाई का मतलब 9/100 गुने में जेड माइनस 8/100 गुने में वाई, यही होगा ना, बराबर 600। हाँ भाई 8y/600, 600 उधर ले जाओ, तो ये 9z-8y बराबर, और ये 2 0। तो भाई y वाले को आगे लिखो ना, क्योंकि x y z के टर्म में हम हिसाब किताब रखते हैं। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। सुनाओ सुनाओ, तो भाई सुनाओ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 65,000। उसके बाद 6x प्लस 8y प्लस 9z बराबर 4,80,000, यही है ना, 4,80,000। और उसके बाद माइनस का 8y प्लस 9z बराबर 60,000। तो बच्चों आपके सामने देखो मैट्रिक्स बन के तैयार है, आपके सामने क्या बन के तैयार है, मैट्रिक्स बन के तैयार है। और अब हमें बस कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके दिखाना है, लिख के दिखाना है, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो जल्दी से यानी बिना देरी लगाए इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी उतारिए। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे पास आ चुका है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां तक हमने जो लिखना था स्टेटमेंट वगैरह हमने लिख दी, अब फटाफट इसको देखो और सॉल्व करते हैं अब इसे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं बच्चों, फटाफट हमें सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 65,000, और 6x प्लस 8y प्लस 9z बराबर 4,80,000, और माइनस का 8y प्लस 9z बराबर 60,000, ठीक है। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखता है भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें ए कितना है, 1 1 1 6 8 9, 0 -8 9, 0 क्यों लिया, क्योंकि यहां पे एक्स वाली टर्म नहीं है। बी क्या होगा, बी होता है इक्वल के इस तरफ वाला, तो 65,000, 4,80,000, और ये 60,000, और एक्स होगा आपका यहां पे एक्स वाई जेड, आपको पता ही होगा। बस नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, 1 1 1 6 8 9, 0 -8 9, हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पता है ना, डिटर्मिनेंट 8 9 -8 9, ठीक है, -1, तो कितना 6 9 0 9, प्लस फर्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 8 0 -8, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, इससे करेंगे 72 माइनस माइनस, तो ये फॉर्मूले का है, लेकिन इससे करेंगे तो माइनस का 8 और 9, ठीक है, ब्रैकेट ये वाला लगेगा 1, इसको करेंगे इससे
तो 54 और इसको करेंगे इससे तो जीरो ही हो जाएगा, क्यों? 9 × 0 जीरो होता है। अच्छा अब ये है 1, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 48 और माइनस इसको इससे करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। अच्छा मैं यहां पे तो ऐसे करके दिखा रहा हूं, आप असाइनमेंट में मत कर देना, ठीक है? अंडरस्टूड सी बात है ये। हाँ जी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 72 माइनस माइनस प्लस 72, ठीक है? माइनस 54 माइनस 48, ठीक। तो 72 और 72 कितना होता है? 144। और ये कितना होगा? 50 40, 90 और 12, 90 और 12 कितना होगा? 102। तो कितना आ गया? 42। कितना आ जाएगा? 42। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका बच्चों 42, ठीक है? कितना आ गया? 42, ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट आने के बाद आपको पता ही है क्या निकालते हैं हम लोग? हम निकालते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। हाँ जी, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए फटाफट। ए 1 1, तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन? 8 9 8 9 माइनस 8 और 9। और आपको पता ही होगा कि हम भाई रो को और कॉलम को ऐड करके देखते हैं, अगर इवन नंबर आता है तो साइन में चेंज नहीं करेंगे, ऑड नंबर आता है तो साइन में चेंज करेंगे। सॉल्व कीजिए, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 तो भाई इवन नंबर है, चेंज नहीं करेंगे। तो ये आ गया 72 माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 72, ठीक है? तो क्या बन गया? हाँ जी, यहां लिख रहा हूं मैं A11, तो 72 प्लस 72, तो A11 तो कितना आ गया? 144, ठीक है? अब A12, A12 का कितना होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 9 0 9, 6 9 0 9। अब आप देख रहे होंगे 1 और 2 को ऐड करोगे 3, तो 3 ऑड नंबर है तो माइनस लगा दो, तो इसको करोगे 54, इसको करोगे 0। अब मैं एरो एरो नहीं बनाऊंगा, समझ जाना, ठीक है? A12 माइनस का 54, ठीक है? A12 माइनस का 54। नाउ अब क्या है? A13, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 8 0 माइनस 8, 6 8 0 माइनस 8, ठीक है? सॉल्व कीजिए इसको। हाँ जी, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो A13, तो ये पता है 1 और 3 कितना होता है? 4, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का 48 और उसको इससे करेंगे 0, तो भाई A13 आ गया आपका माइनस का 48। अब नेक्स्ट है A21। हाँ जी, A21, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन? 1 1 माइनस 8 और 9, 1 1 माइनस 8 और 9। लेकिन बच्चों 2 और 1 तो क्या होता है? 3, ऑड नंबर है, बाहर माइनस लगाएंगे तो 9 को इससे 9, माइनस तो होता ही है, इसको माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8, आंसर माइनस 17। A21, A22, हाँ जी, 22 क्या होता है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 0 9 बच गया, 1 1 0 9, लेकिन 2 और 2 तो 4 होता है तो कोई टेंशन नहीं, तो 9 को 1 से 0 को इससे तो 9 ही रहेगा, ठीक है? A23, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बचा कौन? 1 1 0 माइनस 8, 1 1 0 माइनस 8। लेकिन बच्चों 2 और 3 5 होता है, 5 तो ऑड नंबर है, माइनस, तो इसको इससे करेंगे माइनस 8, इसको करेंगे तो 0, तो क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस का 8, तो A23, ठीक। अगला है A31। हाँ जी, 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 8 9, 1 1 8 9, लेकिन 3 और 1 क्या होता है? 4, तो कोई दिक्कत नहीं, 9 माइनस 8 और ये कितना आ जाएगा? 1, यही होगा क्रॉस मल्टीपल। नेक्स्ट, हाँ जी, A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 6 9, ठीक है? 1 1 6 9, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 6 9, और 3 2 क्या होता है? 5, तो ऑड हो गया, 9 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस का 3, A32। अगला A33, हाँ जी, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 6 8, और 3 3 तो 6 होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2, तो A33, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। A11 से लेके A33 तक के हमने सारे के सारे कोफैक्टर निकाल दिए। नाउ नाउ द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है जल्दी बताओ? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और ये इसका ट्रांसपोज। हाँ जी, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आप जैसे ही ट्रांसपोज हटाएंगे, जैसे ही यहां से ट्रांसपोज हटाएंगे, ये सारी की सारी रॉ क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। सारी की सारी रॉ क्या बन जाती है?
कॉलम बन जाती है। तो जल्दी से यहां तक का बच्चों आप लोग नोट कीजिए, यहां तक का नोट कीजिए, फिर इसके आगे मैं आप लोगों को कराता हूं, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है? 1 मिनट दिया, 1 से 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट कीजिए। देखिए बच्चों, अब मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है। वो सॉल्यूशन क्या है जल्दी से देख लीजिए फटाफट, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है कि आपके सामने मैंने यहां पे एडजॉइंट लिख दिया। कैसे लिखा बच्चों? अब जो आपने वो A11, A12, A13, A14 वो सब निकाला था ना कोफैक्टर में, उन सबको यहां प्लेस कर देना है, क्योंकि अरेंज किया A11 की वैल्यू ये, A12 की वैल्यू ये, A13 की ये, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है? फिर ये A इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो भाई 1/42, 42 कौन है? डिटरमिनेंट। अच्छा, 1/ में क्यों लिया है? क्योंकि ये डिवाइड में, इसलिए 1/ में लिया है, बाकी आपका कोफैक्टर जो एडजॉइंट जैसा है। अच्छा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक वैल्यू, क्या AX इज इक्वल टू B? A को उठा के उधर ले जाइए, A इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, A इनवर्स आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है? और B क्या था आपका? यही था B, अगर आपने क्वेश्चन की शुरुआत में देखी हो। अब क्या करो, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 144 को 65,000 से करेंगे, ये आएगा। 17 को इससे करेंगे, माइनस का हो जाएगा। 1 को 60 से करेंगे, ये आ जाएगा। फिर -54 को 65 से करेंगे तो ये आएगा। 9 को इससे करेंगे 4,80,000 से तो ये आएगा। 3 को इससे करेंगे तो 1,80,000। फिर इधर थर्ड रो थर्ड कॉलम 48 को इससे करेंगे, ये आ गया। इसको इससे करेंगे, ये आ गया। इसको इससे करेंगे, ये आ गया। सबको सॉल्व किया, ये आ गया। 42 से सबको डिवाइड करो, डिवाइड करने पे आपका आएगा 30, 15 और 20। तो हमने क्या देखा कि भाई जो इन्वेस्टर है एक्स, वो 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, वाई 15,000, और जेड कितने बच्चों? जेड कर रहा है 20,000 इन्वेस्ट। तो बस बच्चों इतना सा इन्वेस्ट करना है, ठीक है? और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट खत्म हो चुका है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? और नोट करके एक क्वेश्चन आपका क्लियर, अब दूसरा मैं शुरू करता हूँ, चलिए फटाफट कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं इसका बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का क्या करते हैं, अब बी पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। ये आपने नोट कर लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, बाकी ये सारा का सारा पीडीएफ बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं अगर जिन्होंने नोट नहीं किया है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, ठीक है? बी पार्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा, टूर ऑपरेटर चार्जेस 200 रुपीज पर पैसेंजर फॉर 450 पैसेंजर विद अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 50। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेटर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या किया है। बोल रहा है बच्चों कि ना 50 पैसेंजर तक वो 200 रुपीज लेता है। 50 पैसेंजर तक क्या करता है? 200 रुपीज लेता है। कौन कौन लेता भाई 200 रुपीज? टूर वाला जो ऑपरेट कर रहे हैं। कह रहा है इसके बाद 50 पैसेंजर के बाद वो 5 रुपए डिस्काउंट देता है हर 10 पैसेंजर पे। मतलब क्या, जैसे जैसे 10 10 पैसेंजर आते रहेंगे और 10 10, 50 के बाद और जितने भी 10 पैसेंजर आएंगे उनके पास 5 रुपए की वो क्या देता है भाई, छूट देता है। 50 से लेकिन ज्यादा होने चाहिए पैसेंजर, तब तब मिलेगी छूट। तो कह रहा बताओ कि वो कितने मैक्सिमम, यानी कितने मैक्सिमम पैसेंजर को वो अपने पास ला सकता है, ठीक है? चलो भाई, तो भाई हर गाड़ी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन हर किसी को प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो सोचते हैं कि इतने पैसेंजर से ज्यादा हो जाए तो मजा आ जाए, चाहे भले डिस्काउंट देना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा होने चाहिए। तो भाई मान लो, लेट द नंबर ऑफ, सबसे पहले हम क्या बी पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, लेट द नंबर ऑफ एक्सेस पैसेंजर इन अ टूर। तो भाई हमने मान लिया कि एक्स पैसेंजर जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब इतने एक्सेस हैं, ज्यादा जाएंगे। अच्छा, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, पैसेंजरों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, पैसेंजरों को डिस्काउंट किया जा रहा है। कितना है? 10 पैसेंजर, 50 के बाद 10 पैसेंजर बढ़ने पे 5 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। तो चलिए लिखते हैं, अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज ऑन 10 पैसेंजर्स, ठीक है? ऑन 10, यानी ऐसे, या एक काम करो, ऑन ईच 10
ऐसे करना, ऑन ईच 10 पैसेंजर्स, ठीक है, मतलब हर 10 पैसेंजर के बाद 5 रुपए की छूट दी जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हर 10 पैसेंजर के बाद 5 रुपए की छूट दी जा रही है, तो एक पे यानी एक पैसेंजर पे कितने रुपए की छूट होगी? अरे सीधी सी बात है यार, जब 10 पैसेंजर पे 5 की, तो यानी कि सीधी बात है आधे रुपए की, क्योंकि आधे रुपए भाई 1 रुपए में 2 बंदे की छूट, यानी मेरी बात को समझो भाई, 5 रुपए में, 5 रुपए में 10 बंदों को छूट मिल रही है, यानी क्या जब 10 बंदे आ रहे हैं तो 5 रुपए की छूट मिल रही है, मतलब सीधा देखो ना हिसाब किताब क्या चल रहा, आधा आधा, मतलब 2 बंदों के लिए 1 रुपए, फिर अगले 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 2 बंदों के लिए 1 रुपए, इस तरीके से 10 बंदे इधर हुए, 5 बंदे यानी 5 रुपए इधर हुए, ऐसा ही हुआ। तो हमने क्या देखा कि जब बच्चों हर 10 पैसेंजर के लिए 5 रुपए हो रहा है, तो एक पैसेंजर के लिए कितना होगा? 0.5 रुपीज, हाफ रुपीज, आधे रुपए होंगे, क्योंकि आधा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अ डिस्काउंट फॉर 1 पैसेंजर, फॉर 1 पैसेंजर, जल्दी बता दो कितना है बच्चों? हाँ जी, 10 पैसेंजर के लिए 5 रुपए, तो एक पैसेंजर के लिए कितना? 0.5 रुपीज, आधा रुपए, बताया ना मैंने अभी अभी, ठीक है। अच्छा जब एक पैसेंजर के लिए आधा रुपए, तो एक्स पैसेंजर के लिए कितना? अ डिस्काउंट फॉर एक्स पैसेंजर, तो 0.5x रुपीज, बात खत्म, 0.5x रुपीज। यहां तक पल्ले पड़ गई कि भाई जब एक पैसेंजर के लिए 0.5, तो भाई टोटल ये क्या नाम है, एक्स पैसेंजर के लिए कितने? 0.5। नाउ अब बच्चों कोई भी काम हम करते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, और रेवेन्यू कमाया कैसे जाता है? नाउ रेवेन्यू, हाँ जी, रेवेन्यू कमाया कैसे जाता है? प्राइस इंटू में क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस कितना है? हाँ जी बताओ, देखो 200 रुपए तो वो ले ही रहा था, 200 रुपए तो वो ले ही रहा था, कौन ले रहा था 200 रुपए, जल्दी बताओ मुझे, टूर ऑपरेटर वाला, टूर ऑपरेटर वाला 200 रुपए तो ले ही रहा है, हर उससे, मतलब जो भी टूर पे घूमने जा रहा है उससे 200 रुपए तो ले ही रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट देता है, इस 200 रुपए में डिस्काउंट देता है, कितना? एक्स पैसेंजरों को इतना डिस्काउंट देता है, कितना डिस्काउंट देता है? इतना, मतलब क्या, जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ते जाएंगे वो इनको डिस्काउंट देता रहेगा। और हाँ भाई अब बताओ पैसेंजर टोटल हैं कितने? भाई देखो टोटल थे 50, लेकिन ये डिस्काउंट कब मिलेगा? ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब पैसेंजर 50 से ज्यादा हो जाएंगे, ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब पैसेंजर, वरना देखो भाई अगर 50 पैसेंजर हैं, 50 पैसेंजर हैं, तब तो 200 रुपए का है ही टिकट, तब तो टिकट 200 रुपए का है ही, लेकिन भाई 200 रुपए से कम का टिकट, क्योंकि 200 रुपए में से मैंने कुछ रुपीज माइनस किए हैं, तो 200 रुपए से कम का टिकट कब मिलेगा? जब पैसेंजर 50 से ज्यादा होंगे, तो 50 से कितने ज्यादा हो रहे हैं? एक्स, कितने ज्यादा हो रहे हैं? एक्स, क्योंकि मैंने यही लिखा है ना, एक्सेस पैसेंजर, एक्स ज्यादा हो रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करो आर बराबर, हाँ जी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 दुनी 10 और 3 जीरो पहले से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 200x हो जाएगा, ठीक है 200x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, हाँ जी ये 50 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25x, फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.5x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा इसमें से 25 जाएगा 175x माइनस 0.5x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब रेवेन्यू मिल गया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी आर अपॉन में डी एक्स, ये भाई इसका, इसके साथ कोई एक्स नहीं है, जीरो, इसके साथ एक ही एक्स है तो 1, हाँ जी, इसके साथ दो, इसके ऊपर पावर है 2, तो पावर आ गया 1 कम, यही होता है डेरिवेटिव, हाँ जी 0 175 माइनस 5 दुनी 10, तो अकेला एक्स बच गया, तो ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे? नाउ डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर 0 के, और डी आर अपॉन में डी एक्स 175 माइनस एक्स बराबर 0, माइनस एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा? एक्स, तो यानी एक्स्ट्रा पैसेंजर कितने हैं बच्चों? 175 पैसेंजर हैं, कितने पैसेंजर हैं? 175 एक्स्ट्रा पैसेंजर हैं। नाउ तो अब क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें तो मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर आर डी एक्स स्क्वायर, हाँ जी, तो डेरिवेटिव, हाँ जी 175 का 0 और अकेले x का डेरिवेटिव, अकेले x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 1 जीरो से छोटा होता है, तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम,
और कुछ पूछा है? हाँ जी, और कुछ पूछा है हमसे? ये पूछा है कि भाई मैक्सिमाइज रेवेन्यू। हाँ जी, और क्या? डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ पैसेंजर हो जाएंगे नाउ, नाउ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे भाई? मोस्टली बच्चे 175 लिखेंगे, लेकिन गलत होगा आंसर। पता है क्यों? क्योंकि एक्स कौन है? एक्स तो बच्चों एक्सेसिव पैसेंजर है ना। तो 175 कितने के बाद? 50 के बाद। 50 के बाद तो 50 प्लस में 1, तो यानी 225 पैसेंजर होंगे, तब जाके ये हिसाब किताब बनेगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका बी पार्ट भी खत्म। इसके बाद सी पार्ट करा रहा हूं, वो भी थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बी पार्ट कीजिए, फटाफट कीजिए। तो हाँ जी बच्चों, शुरू करते हैं इसका सी पार्ट। इसी का सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। बी करवा दिया, ए भी करवा दिया, बी भी करवा दिया, अब सी पार्ट करते हैं बच्चों, फटाफट कर लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन में कह सकते हो बस, ठीक है, बाकी बहुत इजी है। एक फॉर्मूला ही चिपकाना है बस, ठीक है, और चिपकाने के साथ साथ एक चीज समझनी भी है। क्या समझनी है? कह रहा है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 7.9% कंपाउंडेड मंथली। कह रहा कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर होगा अगर हम, कह रहा है कि अगर हम क्या करें भाई, इन्वेस्ट करें कंपाउंडेड हाफ ईयरली 8% या 7.9% करें, कैसे भाई, क्या कंपाउंडेड मंथली, तो बताइए कौन सा बढ़िया रहेगा। देखो बच्चों, एक ना इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस में आर अपॉन में एम की पावर m-1, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आप लगा दोगे ना इफेक्टिव रेट में, तो हर जगह हर चीज पालोगे, बस फर्क क्या है समझना है। चलो नाउ, तो आप मानो, हाँ जी, आप यहां पे क्वेश्चन क्या है लिखो, लेट इवन इज द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट फॉर फॉर कंपाउंडेड, फॉर क्या है बच्चों, फॉर फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। चलो भाई शुरू करें, तो कैसे होगा हाफ ईयरली कंपाउंडेड? चलो इवन इज इक्वल टू 1 प्लस में आर एम m-1। हाँ जी, 1 प्लस में आर, आर कौन है? हाँ भाई इफेक्टिव रेट। अब मुझे ये बताइए आपको रेट दिया कितना हुआ है? 8%। हाँ भाई 8% मतलब 0.08 होता है। एम यहां पे क्या है भाई? हाफ ईयरली। अगर यहां पे लिखा हुआ है ना हाफ ईयरली, तो अपॉन में लगाओगे 2। अगर लिखा हुआ है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली है तो क्या लगाओगे? अपॉन में 4। अगर लिखा होगा कि 1/3, तो आप लगाओगे अपॉन में क्या भाई, 3। इस तरीके से करना होता है, ठीक है, तो क्वार्टरली का हिसाब किताब। लेकिन यहां हाफ ईयरली बोला है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। और भाई अब बात यह हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में हाफ ईयरली में क्या होता है, 6-6 महीने करके 2 हिस्से बट जाते हैं, तो इसलिए टाइम भी कैसा लगता है, दुगना हो जाता है। क्योंकि भाई जहां ब्याज जहां इंटरेस्ट पहले 1 साल में लग रहा था, तो उसको 1 ईयर काउंट करेंगे, लेकिन अब 1 ही ईयर में 2 बार काउंट हो रहा है। क्यों? 6 महीने अलग 6 महीने अलग, तो इसलिए हम यहां पे 2 लेके चलेंगे। -1 सॉल्व करेंगे, 1, हां जी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, कट के क्या बनेगा, 0.04 स्क्वायर -1, और ये बनेगा 1.04 का स्क्वायर -1। हाँ जी, क्या इसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या, आपके पास कैलकुलेटर है ही, कितना आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है कैलकुलेटर है, तो हाँ जी कितना है, 1.04 मल्टीप्लाई में 1.04, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 1.0816 -1, और माइनस कर दोगे तो बनेगा 0.0816, क्या बनेगा, 816, ठीक है। अब अगर हम ये परसेंट, अगर आप ये इतना आ गया, अब अगर आप इसको परसेंट में देखना चाहते हैं, परसेंट में देखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 8.16%।
कितना बन जाएगा 8.16%, इतने परसेंट बन जाएगा, और ये आपका इफेक्टिव रेट होगा, और ये आपका क्या होगा, इफेक्टिव रेट होगा 8.16%। यानी पहले जब आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 8.16। लेकिन अब आप, ये तो फर्स्ट पार्ट था, लेकिन अब आप सेकंड पार्ट में मंथली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में आप कैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट में अब यहां पे लेट कीजिए, लेट ई टू इज द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट फॉर कंपाउंडेड कंपाउंडेड मंथली मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली। तो आपका ये बना ई टू बराबर 1 प्लस R अपॉन M, M-1, ठीक है। तो ई टू 1 प्लस R, हाँ जी। अब की बार बताइए मुझे कितना दिया गया आपको, परसेंटेज कितना दिया गया, 7.9% दिया शायद, है ना, हाँ 7.9%। तो 7.9% क्या बन जाएगा, 0.79, और एम एम कितना, मंथली है ना, तो मंथली कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब 12 महीने होते हैं तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1। अब क्या करेंगे आप, ई टू 1 प्लस में इसको डिवाइड कर दो भाई, आप 0.79 को कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, हाँ जी डिवाइड करके देखो जरा, हाँ भाई क्या है, 0.79 को डिवाइड करके देखना है किससे, 12 से, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0.06583, इतना बनेगा, ठीक है, 3, और इसकी पावर 12-1, हाँ भाई इसको ऐड करना, तो ये बनेगा 1.06583 की पावर 12-1। अब कहोगे कि अरे सर ये तो 12 पावर आ गई, तो कैसे सॉल्व करें, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं, आप ना इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो 1.06, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं इतना बता सकता हूं कि देखिए यहां पे 5 है, आपको पता है ना कि 5 से जब ज्यादा नंबर होता है तो एक इसको दे देते हैं, एक इस पे ट्रांसफर कर दो, तो ये 6 की जगह बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 12, ठीक, मैंने इसको छोटा करके लिख लिया, ठीक है। अब इसको देखो करना क्या है, कुछ सिंपल, ज्यादा कुछ खास नहीं करना, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कैसे करना है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, आप लिखिए 1 पॉइंट, आगे क्या है, 07, 07 भाई, मैंने यहां पे लिख दिया 1.07, फिर मल्टीप्लाई में भी यही लिखिए 1.07, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दीजिए, कर दिया इक्वल। अब आप यहां किनारे पर अगर देखेंगे तो आपको यहां पे 3 लिखा दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों ये 3 क्यों लिखाई दिया, क्योंकि हमने 3 बार ऑपरेट किया है। अब इसकी पावर कितनी है, 12, अब 12 है ना, तो इसको इक्वल को तब तक दबाते रहो जब तक यहां साइड में आपको क्या ना दिखाई दे, 12 ना दिखाई दे, 1 2 3 4 ये 7 9 तक पहुंच गया, 10 11 12, भाई 12 तक पहुंच गया, 12 तक पहुंचने पे मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों जितनी ये पावर होती है ना, जितनी ये पावर होती है ना, उससे एक एक्स्ट्रा करते हैं, तो मैं बच्चों एक बार इक्वल और दबाऊंगा, तो मेरे पास आंसर आया, मेरे पास आंसर आया 2.2.2521। एक मिनट यहां पे 25, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी बच्चों, एक बच्चों छोटी सी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, यहां पे देखो 7.9% था ना, अब इसको मैं परसेंट हटाऊंगा तो 7.9/100 और शिफ्ट करूंगा तो 0.079 होगा, मैंने यहां 79 ले लिया इसलिए आंसर गलत आ रहा था, ठीक है 79। अब इसको जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 0.0, ठीक है, ये यही बनेगा 0.006583, ठीक है। अच्छा अब इसको यहां पे भाई, अब जैसे ये कर दिया हमने, ठीक, अब इसको यहां पे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया कि इसको यहां पे ऐसे 7 दे देना, ठीक है, या इसको ऐसे इसको दे देना, ये यहां बन जाएगा, ये 00 तो है ही, और एक इसको शिफ्ट कर देना तो बन जाएगा 7, क्या बन जाएगा 7। अब बाकी मैंने फिर आपको बता ही रखा है कैसे मल्टीपल करना है आपको, हाँ जी आप एक बार इसको मल्टीपल कीजिए, आप पहले मल्टीपल कीजिए 1.007 मल्टीप्लाई 1.007, मल्टीप्लाई कर दिया जी,
मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया ना, अगर पावर 12 है तो 13 बार तक लेके जाओ, यहां किनारे पे नंबर लिखा होगा, 13 बार तक लेके जाओ, ठीक है। क्या था? 1.007 मल्टीप्लाई 1.007, ठीक है, ये आ गया। हाँ जी, अब लेके जाओ इसको 13 तक लेके जाओ, ठीक है। हाँ जी, 13 तक जब लेके जाएंगे तो यहां पे आएगा, पता है क्या, 1.0, ठीक है, 1.08, ठीक है, 1.0873, इतना आ गया, ठीक है, माइनस वन। अब माइनस वन करोगे तो E2 कितना आएगा, जल्दी बताओ भाई। E2 आएगा 0.0873, ठीक है जी। अब जब परसेंटेज शिफ्ट करोगे तो आपको पता ही है, परसेंटेज दो पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना बनेगा ये, 8.73%, 8.73%। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बच्चों, हाँ जी, अब उसने यही पूछा था कि बताओ ब्याज में कौन सा इफेक्टिव रेट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई मैं तो देख रहा हूं E2 का ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि E2 में हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8.73% मिल रहा है, और E1 में हमें 8.16 मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे E2 इज मोर मोर इफेक्टिव इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट देन E2, सॉरी देन E1। मतलब क्या, E1 में हमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है जबकि E2 में इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिल रहा है। तो बच्चों फटाफट जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए, ठीक है, ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक। इसके बाद इसका पार्ट हम लोग, वही सी तो कर चुके, ये सी पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग करेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें शुरू करने का कुछ भी नहीं है बच्चों, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको कुछ लिख के दिखाना है, तो आपको मैं यहां लिखवा के कोई फायदा नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे सारी की सारी PDF मिलेगी आपको, सारी की सारी PDF, तो वहां से आप उसे नोट कर लेना, काम खत्म, ठीक है। तो मैं इसका ए पार्ट नहीं, इसका बी पार्ट करा रहा हूं, बी पार्ट देख लेना। बी पार्ट देखो, अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बी पार्ट में, कह रहा था एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक, कह रहा एक हफ्ते का रेनफॉल हुआ, एवरेज निकाला संडे को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग संडे, बस 10 सेंटीमीटर, एवरेज कितना आया 10 सेंटीमीटर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे, कह रहा संडे को बहुत तगड़ी बारिश हुई भाई, फिर कह रहा है जो कि एवरेज ना पूरे हफ्ते का एवरेज बढ़कर 15 सेंटीमीटर हो गया, पूरे एवरेज पूरे हफ्ते का, मतलब देखो पहले पूरे हफ्ते का 6 दिन का, 6 दिन का जो एवरेज था बारिश का वो था 10, लेकिन अचानक इतनी तेज बारिश हुई संडे को, इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे हफ्ते का एवरेज 15 हो गया, पूरे हफ्ते का एवरेज क्या हो गया 15 हो गया। तो बताइए रविवार वाले दिन कितनी बारिश हुई, तो बताइए संडे को बारिश कितनी हुई। तो हाँ भाई सिंपल, हाँ जी, एवरेज एवरेज रेनफॉल इन अ 6 डे, इन 6 डेज तो कितनी हुई थी बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये एवरेज है, एवरेज रेनफॉल हुई है 6 दिन में 10 सेंटीमीटर, एक्सक्लूडिंग संडे का मतलब तो यही हुआ ना भाई, 7 दिन होते तो 6 दिन का 10 सेंटीमीटर। सो रेनफॉल इन 6 डेज कितना हुआ होगा। हाँ भाई, अगर एवरेज 6 दिन का एवरेज 10 सेंटीमीटर हुआ है तो 6 दिन में कितना रेनफॉल हुआ होगा, 6 × 10 मतलब 60 सेंटीमीटर, सही बात है नाउ। हाँ भाई, अब ये बताइए एवरेज पूरे हफ्ते का बढ़कर कितना हो गया है, 15 एक्स्ट्रा हो गया है, 15 एक्स्ट्रा हो गया है, मेरी बात समझना, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने ये कहा है, हाँ जी उसने ये कहा है कि भाई द एवरेज फॉर अ वीक, यानी कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे, संडे को बारिश होने की वजह से द एवरेज फॉर अ वीक, पूरे हफ्ते का रेनफॉल, पूरे हफ्ते का हाँ पूरे हफ्ते का रेनफॉल का एवरेज 15 हो गया है, ठीक है, कितना हो गया है 15 हो गया है। तो हाँ जी, अब क्या कहेंगे, एवरेज रेनफॉल ऑफ अ वीक, पूरे वीक का जो रेनफॉल है वो बढ़कर कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर। तो हाँ जी, तो मैं क्या कहूंगा, सो रेनफॉल रेनफॉल इन 7 डेज, यानी संडे को मिला के, तो संडे को मिला के कितना होगा, हाँ जी जल्दी बोल दो फटाफट, संडे को मिला के 105 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें संडे का रेनफॉल निकालना है, सो
द रेनफॉल इन संडे, रेनफॉल इन संडे। तो बच्चों संडे को रेनफॉल पता है कितना हुआ, 7 दिन का 105, संडे मिला के, और 60 दिन, 60 किसका है, संडे हटा के, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये किसका रेनफॉल आएगा, संडे का। तो बच्चों संडे को 45 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, संडे को कितनी वर्षा हुई है, 45 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नहीं ना। चलो अब इसका सी पार्ट, इसका सी पार्ट तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे ही है, नकली सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन प्राइस ऑफ मेन शूज 380 और मॉडल प्राइस 350, जबकि मीन प्राइस बताओ शू का क्या है। अरे एक बात बताओ, मीन मीडियन मोड, जब तीनों एक साथ दिया जाता है तो इसका स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनता है। तो देखो भाई, द स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड इज, हाँ जी क्या बनता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बच्चों मोड हमें कितना दिया हुआ, मॉडल, हाँ जी मॉडल का प्राइस कितना दिया हुआ है, 350। मीडियन, हाँ जी मीडियन का प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, मीडियन का प्राइस दिया हुआ है हमें 380। और 2 मीन, मीन का प्राइस क्या है, नहीं हमें निकालना है, तो बस 350। हाँ भाई इसको मल्टीप्लाई करो, 0 4 2 2 11, यही होगा ना भाई, 0 8 8 3 24 का 4 रह गया, 2 3 3 9 2 11, -2 × मीन। ठीक है ये माइनस का है, उठ के इधर आएगा तो 2 × मीन प्लस का हो जाएगा, 11 11 400, और ये उधर जाके माइनस का 350। हाँ जी तो कितना हो जाएगा, 2 मीन बराबर, हाँ जी 1140 में से 350 गए तो कितना बचेंगे, 0 14 में से 15, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और उसके बाद 10 में से 3 गया 7, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 790/2 कैंसिल आउट, तो 3 3 3 बारी में, और फिर 9 बारी में, और फिर 5 बारी में। तो इसका मतलब बच्चों हमारा मीन कितना आ गया, 395, हमारा मीन कितना आ गया, 395। तो देख रहे हो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, हो गया सी पार्ट भी, बी पार्ट भी, सी पार्ट भी, और ए पार्ट क्या है, थ्योरी। थ्योरी मैं आपको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों आपका मैंने पूरा का पूरा असाइनमेंट बोर्ड पर सॉल्व करा दिया है, अब आप सीखें नोट करें वो सारी की सारी आपकी मर्जी है। तो यहां से वीडियो पॉज करके ये सब कर लेंगे, बाकी आपको इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा ही डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोट कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, शिक्षा धाम नाम का हमारा एक वेबसाइट है जहां से बच्चों आपको 9th 10th 11th 12th के मैथमेटिक्स और साथ ही साथ अकाउंटेंसी की क्लास और हमारे साथ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज इन सबकी क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो आप एक बार शिक्षा धाम नाम की वेबसाइट पे विजिट कीजिए गूगल पे जाकर, ठीक है, आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी, एक एक चीज, डेमो सेशन ये वगैरह सब कुछ दिया गया है। आप वहां जाइए, एक इकोनॉमिकल फीस में पूरा का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, और वहां देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं और आगे बढ़ते रहिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट, चलिए बाय।